ये है कॉल दिल, तो आज बनाएंगे कॉल दिल का पकौड़ा, कॉल फूल का। ये इसको साफ कर लेंगे, उसके बाद उबाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है कॉल फूल का पकौड़ा। बॉयल करने दे दिया मैंने, ये देखिए, ये फेंकना नहीं है ये कॉल को, इसका पकौड़ा खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये बॉयल करने दे दिया मैंने, नमक और हल्दी डाल के इसको दे दिया ताकि ब्लैक ना हो, और ऊपर से ढकना लगा दिया। तो ये हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बॉयल हुआ है। चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी बना के लेंगे बेसन का घोल, और चावल का पाउडर भी दे सकते हैं आप लोग, राइस का पाउडर जो होता है वो भी दे सकते हैं, क्रिस्पी होने के लिए, नहीं तो कॉर्नफ्लावर दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास तो अभी ना राइस पाउडर है और ना ही कॉर्नफ्लावर है, और दुकान भी बहुत दूर है, ठंडा का मौसम भी है, तो बेसन से ही बना लूँगी। तो ये हो चुका है, अभी बनाएंगे बेसन का घोल। तो बेसन ले लिया है, नमक दे दिया, हल्दी दिया है, और चाट मसाला दिया है। तो आप लोग ब्लैक ना सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बना लेंगे घोल, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा थिक भी नहीं होना है, मीडियम होना है। बना लीजिए, जब ठंड में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है भाई। तो उसको पानी लूँगी, बस ये बन चुका है। तो देखिए ऐसा बन चुका है। घोल तैयार है, और ये कॉल फूल भी छोटा छोटा जो बनाना है उसका पकौड़ा बनाएंगे, तो वो भी बॉयल हो चुका है। तो चलिए अभी कढ़ाई पे तेल देते हैं और बनाते हैं कॉल का पकौड़ा। तो घोल हो गया रेडी, और ये बनाना बॉयल कर लिया मैंने, तो इतना नहीं, हाफ हाफ लेके बनाएंगे। तेल हो चुका है, तो इसे थोड़ा टैप कर देंगे, ऐसा करके टैप कर दिया ताकि बेसन अंदर घुस पाए। ये देखिए सही से ऐसा कीजिएगा, ये साइड ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं तो ये बिखर जाएगा। ओके, देन ये घोल में हमने खाया, अभी देंगे तेल पे ये। ओके, देखिए सब पता लेना है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और ठंडे दिन ऐसे भी पकौड़ा अच्छा लगता है। और एक देंगे, तो अभी इसे पकने देंगे। स्टीम थोड़ा कमा देंगे, मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो ये देखिए बन रहा है पकौड़ा, स्टीम मैंने लो कर दिया, ऐसे धीरे धीरे ऐसा पकौड़ा बन जाएगा। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा कॉल फूल का पकौड़ा बनाने का, और बना के जरूर बताइए कैसा हुआ है खाने में। तो ये बन चुका है कॉल फूल का पकौड़ा, तो इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, प्लेट भी कर सकते हैं, तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, और बना के ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ था। तो डन व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखने का थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, लव यू ऑल, बाय बाय।